नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 70। आज हम पहुंचे हैं जींद जाट आईटीआई में। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, तो हमारे साथ यहाँ प्रिंसिपल है पूर्ण रेड्डू जी, इनसे जानेंगे किस उपलक्ष में ये आयोजन किया गया है, आइए जानते हैं। नमस्कार जी प्रिंसिपल। नमस्कार। आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, किस आयोजन में आप किया है? देखिए, 12 तारीख है ना, हम इसको पूरे सप्ताह को बसंत पंचमी और छोटराम जयंती के उपलक्ष में है ना, हम इस पूरे पखवाड़े को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उसके उपलक्ष में हमने ये जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। तो कितने यूनिट आपने कलेक्ट की है अभी तक? मैं अभी बात कर रहा था टीम से, उन्होंने बताया कि 45 यूनिट आई है। अच्छा, हाँ जी। तो आप युवा को क्या संदेश देना चाहूंगे इस आयोजन के उपलक्ष्य में? मैं जो मानता हूँ कि रक्तदान जो है एक बहुत ही अच्छा इसका कार्य है, बड़ा महान कार्य है ये रक्तदान, महादान जिस प्रकार से हम उसको कहते हैं। और हमें जितने भी हमारे समाज के अंदर किसी भी सामाजिक हम कह रहे हैं कि कार्यक्रम को, उनको ऐसी बातों से शुरुआत करनी चाहिए, उन मौक़ों पर हमने ऐसे ही भले काम करने चाहिए जो बिल्कुल आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं काम आती है। जो आदमी किसी के जान बचाने के लिए कार्य करता है, वो खासकर सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, अब हम छोटराम जयंती को और वसंत पंचमी को अगर इस प्रकार से इन्हीं ऐसे कार्यों के माध्यम से मनाते हैं, तो वो एक सच्चा संदेश है। तो हमारे साथ जो राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित है सुभाष डिगाना जी, उनसे भी जानेंगे भाई उन्होंने कितनी यूनिट की इकट्ठी की है और उनका क्या योगदान रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपने कितनी यूनिट यहाँ पे इकट्ठी की है और आपने कहाँ पर कैंप के आयोजन चल रहे हैं आपके? आज ये CR किसान ITI के अंदर एक पखवाड़े के अंतर्गत ITI के प्रिंसिपल साहब श्री पवन कुमार रेड्डू जी और श्री जय भगवान दलाल जी के मार्गदर्शन में 45 युवाओं ने आज यहाँ रक्तदान किया है। और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि रक्तदान एक मानव का दूसरे मानव के लिए एक अनमोल तोहफा होता है, क्योंकि विज्ञान भी इसका निर्माण नहीं कर सका और मनुष्य की जिंदगी बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व रक्त है। रक्त का भी निर्माण विज्ञान नहीं कर सका, इसको हम ऐसे ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाकर एकत्रित करते हैं और इसको ब्लड बैंक में जमा करवाते हैं ताकि किसी भी जरूरतमंद को समय पर उपलब्ध करवाया जाए और उसकी जान बचाई जाए। जींद में रक्त की कोई कमी नहीं है, और भी मैं भी एक महीने में 4 कैंप लगाता हूँ, और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, वो अपने स्तर पर लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। और जींद एक रोल मॉडल जिला है रक्तदान के मामले में, जींद में रक्त की कोई कमी नहीं, जहाँ भी कैंप लगता है बड़े उत्साह के साथ युवा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हाँ, तो युवाओं का क्या संदेश देना चाहोगे इस आयोजन के? युवाओं को तो मेरा यही संदेश है, वैसे अब पहले की बजाय बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। अभी जैसे नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक में 15 यूनिट बगैर बुलाए आ जाते हैं, वैसे स्वैच्छिक जो वॉलेंट्री डोनर होते हैं वो अपने आप जाके रक्तदान करते हैं, 12, 14, 15 यूनिट हर रोज आते हैं। तो ये अब जैसे गाँव में कैंप लगाए तो उसमें जागरूकता आई, आज भी यहाँ प्रिंसिपल साहब ने कैंप लगाया तो इसमें मैंने नोट किया कि बहुत सारे बच्चे 45 में से जिन्होंने ऐसा मौका मिला जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया, क्योंकि वो नए जो 18 साल के हो चुके थे उन्होंने आज रक्तदान किया, तो आगे इनके मन में जो हिचकिचाहट थी रक्तदान के प्रति वो आज दूर हो गई, तो आगे ये और ज़्यादा रुचि के साथ ऐसे 3 महीने के बाद जब भी इनको मौका मिलेगा तो ये रक्तदान करेंगे। और ऐसे कार्यक्रमों में मैं ये मानता हूँ कि युवाओं का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें वो। तो आपने कितनी बार रक्तदान रखा? मैंने 47 बार खुद रक्तदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आपने देखा भैया, हम यहाँ पर जाट ITI में आए थे, यहाँ पर आप ये विजुअल देख भी रहे होंगे, तो युवा बहुत रक्तदान कर रहे हैं और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आए थे, चीफ गेस्ट ने युवा को सम्मानित किया है। तो भाई, आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।